सच कहें तो पहले मुर्गी आई कि अंडा से भी जटिल प्रश्न ये है कि बेइज्जती का दूसरा नाम पाकिस्तान है या फिर पाकिस्तान बेइज्जती का पहला नाम। एक बार फिर पाकिस्तान सरेआम बेइज्जत हुआ है। अपने कर्जों के सागर में डूबे हुए पाकिस्तान को अब एक और करारा झटका लगा है, क्योंकि लंदन में स्थित ब्रॉडशीट LLC कंपनी इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के उपकरण और अन्य संपत्ति को जब्त कर सकती है। दरअसल ब्रॉडशीट LLC कंपनी ने पाकिस्तानी सरकार और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के खिलाफ मध्यस्थता का मुकदमा जीत लिया है। इस कंपनी पर पाकिस्तान का धन बकाया है, जिसे चुका न पाने के एवज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एवं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की संपत्तियां जब्त हो सकती थी, और हुआ भी वही। अब लंदन कोर्ट के निर्णय के अनुसार लंदन में स्थित पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की सभी संपत्तियों को जब्त कर ब्रॉडशीट LLC के बकाए धनराशि की भरपाई होगी। पाकिस्तान की द न्यूज की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर $33 मिलियन की राशि बकाया है, लेकिन चुकाना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान इसके बारे में बात तक नहीं करना चाहता। ब्रॉडशीट LLC द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, हमको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के विरुद्ध UK में टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है। हमें लगता है कि ये टीम अपने आप में अभियुक्त की साझेदार है और टीम से जुड़ी सभी संपत्ति अभियुक्त यानी पाकिस्तानी प्रशासन की संपत्ति है। ब्रॉडशीट LLC और पाकिस्तानी सरकार के बीच कानूनी विवाद की शुरुआत 2000 में हुई थी, जब तत्कालीन पाकिस्तानी राज्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी कंपनी को विदेशों में पाकिस्तान के नागरिकों की छिपी हुई संपत्ति का पता लगाने के लिए एग्रीमेंट किया था। परंतु इस एग्रीमेंट को पाकिस्तानी NAB यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने आकारण ही 2003 में तोड़ दिया और कंपनी का बकाया भी नहीं दिया। इसके बाद ब्रॉडशीट LLC इस मामले को अदालत में ले गया और जीत भी गया। फलस्वरूप पाकिस्तान को $33 मिलियन के बकाए धनराशि को अपने क्रिकेट टीम से जुड़ी संपत्तियां गवा कर चुकानी पड़ेगी। वैसे भी पाकिस्तान कर्जे में कितना डूबा हुआ है, इसके लिए कोई विशेष शोध करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन का दामन थामा था, ताकि कर्जे की समस्या से छुटकारे के साथ भारत के विरुद्ध उसे चीन का साथ भी मिले। लेकिन जिस प्रकार से वुहान वायरस के प्रकोप ने सारी बाजी पलट दी है, उससे न सिर्फ चीन को जबरदस्त आर्थिक झटके लगे हैं, अपितु पाकिस्तान पर भी उसका भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है, क्योंकि चीन के बहुप्रतिष्ठित ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के पीछे बलूच क्रांतिकारी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित टेस्ट सीरीज 5 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है, जिसमें पहला टेस्ट ओल्ड ट्रेफोर्ड में खेला जाएगा। पाकिस्तान यहां पर इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट और 3 T20 खेलेगा। ऐसे समय में ब्रॉडशीट LLC द्वारा पाकिस्तानी टीम की संपत्ति जब्त करना न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती है, अपितु पाकिस्तान की कंगाली को खुलकर जग जाहिर भी करेगा।